मैं करण बागला जीनियस स्कूल की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ आज फिजिक्स का प्रैक्टिकल डिस्कशन, जिसके अंदर अपना फिफ्थ चैप्टर है सर्किट वाला, उसके अंदर अपने बात करेंगे ओम के नियम पे। यह नियम आपके अंदर 10th से लेकर 12th तक सभी में काम आ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसको अपने प्रैक्टिकल के साथ करेंगे। ओम ने क्या नियम दिया? ओम ने वैसे जो अपने नॉर्मली याद रखते हैं रजिस्टर से, मतलब प्रतिरोध से याद रखते हैं, प्रतिरोध का नियम दिया, बट उसके अंदर उसने क्या कहा, उसने कहा कि वोल्टता और धारा क्या होती है, आपस में समानुपाती होती है। समानुपाती से जो मतलब लिया जाता है वो ये होता है कि अगर वोल्टता बढ़ेगी तो धारा भी बढ़ेगी। यहाँ पे धारा और वोल्टता में संबंध ये बताया, इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट इन करंट विद रिस्पेक्ट वोल्टेज। अगर वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हो जैसे 1, 2, 3 तो करंट भी बढ़ेगा 1, 2, 3, ठीक है। इसी तरह अगर वोल्टेज डाउन आती है तो करंट भी अपना क्या होगा, डाउन आएगा, डिक्रीजमेंट में आएगा। अगर इसको ग्राफ से समझते हैं तो इसके अंदर वाई एक्सिस के ऊपर धारा ली जाती है करंट, और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज वोल्टता ली जाती है। जब इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है, तो एक सीधी रेखा आती है जो आपको बताता है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट रह गया, यानी कि ए और बी पॉइंट पे बात करें तो ए के अंदर क्या है, सपोज करें ए के ऊपर एक इकाई अगर वोल्टेज है तो धारा भी क्या है, एक इकाई है, यूनिट है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो वोल्टेज अगर 2 हो गए तो धारा के अंदर भी कुछ बढ़ा हुआ प्राप्त हुआ, चाहे वो 2 हो सेम हो या 3 हो, 1, 2, 3 हो, तो इसी तरह क्या होगा, वोल्टेज के साथ धारा बढ़ेगी। अब वोल्टेज और धारा का बेसिक समझ लेते हैं, वोल्टेज को किससे लिखते हैं और धारा को किससे लिखते हैं। वोल्टता, वोल्टेज ये क्या बताता है, ये किसी बैटरी की कैपेसिटी को बता देता है कि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है या ये इतने चार्ज को फ्लो करवा सकता है। और हर सर्किट के लिए वोल्टेज अलग अलग होती है। नॉर्मली जैसे घर में जो अपने जो सर्किट लगा हो उसको, जैसे कोई भी ऑपरेटर को चलाने के लिए 220 वोल्ट चाहिए। ये कैपेसिटी किसी बैटरी के अंदर कितनी पावर है, क्षमता, उसको बताने के लिए काम आता है। करंट, धारा, धारा क्या होता है, धारा होता है आवेश का प्रवाह। और आवेश की जगह एक शब्द और काम में लिए लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, ये धारा रहते हैं। अब जो वोल्टता होता है उसको मापा जाता है वोल्ट के अंदर, वोल्टता को मापा जाता है वोल्ट के अंदर, और करंट को मापा जाता है एम्पियर के अंदर। ये अपना स्टार्टिंग रहेगा समझने के लिए, वी समानुपाती आई से। अब जब इसका प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे तो इसके अंदर अपने को कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिएंगे, तो अपने जो सर्किट हैं वो देख लेते हैं, सर्किट और ऑपरेटर्स कौन कौन से चाहिएंगे। ऑपरेटर्स जो ऑब्जेक्ट अपने काम में आएंगे ऑपरेटर्स, वो आएंगे वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की रेंज अपने पास जो नॉर्मली रहती है, एक 3 वोल्ट की रहती है और एक 15 वोल्ट की रहती है, दो रेंज के, दो परास के अपने पास वोल्टमीटर लगभग मिल जाते हैं। अमीटर काम में आता है धारा को मापने के लिए, तो ये अपने को अलग अलग वेरिएंट में मिल जाता है, और नॉर्मली आपको ये एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में मिल जाएगा, ये तीन वेरिएंट में मिल जाएगा अपने को। उसके बाद अपने इसके अंदर एक जो और ऑपरेटर्स काम लेते हैं, की कुंजी, धारा के प्रवाह को चालू करने के लिए और रोकने के लिए, रियोस्टेट लेते हैं, धारा नियंत्रक,
धारा नियंत्रक यानी कि कितनी धारा आपको रखनी है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर, उसको कंट्रोल करने के लिए, धारा को बढ़ाने के लिए, धारा को घटाने के लिए धारा नियंत्रक काम में लिया जाता है। होता क्या है, ये एक प्रतिरोधी होता है। धारा नियंत्रक एक प्रतिरोधी होता है जिसको अपने अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसको क्या कहते हैं, परिवर्तनशील प्रतिरोध भी कह सकते हैं। ठीक है, धारा नियंत्रक हो गया, एमिटर वोल्टमीटर, और उसके बाद एक काम में आता है अपना सेल बॉक्स। ठीक है ना, सेल बॉक्स के अंदर अपने या तो एसी करंट को चेंज करने वाला कोई ऑपरेटर्स ले सकते हैं, एसी टू डीसी वाला, या फिर अपने जो घरों में सेल यूज करते हैं रेडियो के अंदर, वो सेल काम में आ सकते हैं। बैटरी आती है 10 वोल्ट की, जो छोटी सी आपने ब्लू कलर की देखी होगी, वो यूज में ले सकते हैं। और इसके साथ अपने को जैसे रीडिंग करनी है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज कहाँ पे पतन हो रहा है वोल्टेज का, उसको ज्ञात, उसको पता करने के लिए अपने को काम में लेना है प्रतिरोध, रेजिस्टर। ठीक है, ये अपने ऑपरेटर्स रहेंगे, ऑपरेटर्स। अब अपने इसका इनको लाइव देखेंगे, इन फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसको पता कैसे करते हैं कि ये वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है, इनकी पहचान कैसे होती है। जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपना रियोस्टेट धारा नियंत्रक। इसके अंदर क्या होता है, ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होता है, वायरिंग होती है रजिस्टर की। इसको अपने ऐसे मूव करके अपने इसके प्रतिरोध को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये होता है रियोस्टेट। इसी तरह ये देखो अमीटर, अमीटर को पता कैसे करेंगे कि ये अमीटर है, तो इसका तरीका होता है, इस पर लिखा हुआ ए, तो ए अमीटर है और इसकी रेंज कितनी है, 3 एम्पियर की, ये दिखाई दे रहा है आपको, 0 से लेके 3 एम्पियर की जो इसकी रेंज है। इसके बाद बात करते हैं, ये आपकी है कुंजी, ठीक है ना, ये कुंजी होती है, इसको कहते हैं नोब। जब इसको हटा दिया जाता है तो परिपथ है जो आपका सर्किट है वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। जब इसको लगा दिया जाता है तो सर्किट क्या होता है, ऑन हो जाता है, क्लोज सर्किट हो जाता है। इसी तरह ये वोल्ट मीटर है, तो पहले वोल्ट मीटर को पता करने का तरीका क्या होता है, वी लिखा होगा, और इसकी दो रेंज आपको बताई, एक मैंने कहा 15 वोल्ट का है और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है 3 वोल्ट का है। इसी तरह ये सेल बॉक्स है, सेल बॉक्स की बहुत वैरायटीज आती हैं, अपनों ने दो देख रहे, एक तो ये वैरायटी रहेगी जिसमें 3 सेल यूज होते हैं, और ये होता है एक, इसके अंदर 2 सेल यूज होते हैं, इसको कहते हैं सेल बॉक्स। और उसके बाद ये रहा अपना रजिस्टर, कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं घर में अपने, कॉपर की हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे अपनों ने सोल्डर वायर यूज़ की। अब प्रैक्टिकल से पहले ऑपरेटर्स के व्यू के बाद अपने अब सर्किट डायग्राम के ऊपर बात करेंगे, इसका सर्किट कैसे लगता है। तो उससे पहले सर्किट के अंदर क्या है ना, इतने बड़े ऑपरेटर्स के साइन एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकते दिखाने, तो शॉर्ट बनाते हैं सर्किट को, तो उसके लिए कुछ सिंबल यूज में लिए जाते हैं। जैसे वोल्टमीटर को वी से लिखा जाता है, और इसको जोड़ने का कॉम्बिनेशन का तरीका क्या होता है, प्रतिरोध जो रजिस्टर होगा उसके साथ पैरेलल समांतर क्रम संयोजन के अंदर होगा। इसी तरह अमीटर को क्या, ए सिंबल से लिखा जाता है, और प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर होगा। इसी तरह बैटरी है जो आपको सेल बॉक्स दिखाया, उसको ऐसे दर्शाया जाता है, यानी कि ये बैटरी आपको पता होना चाहिए, ये जिगजैग फॉर्म है, ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है, और प्रतिरोध के ऊपर ये डंडी सी लगी हुई है, ये धारा नियंत्रक रियोस्टेट को प्रदर्शित करती है, जो धारा को नियंत्रित करती है। ये होती है आपकी कुंजी, कुंजी का साइन ये होता है, ब्रैकेट के अंदर डॉट या कई बार डॉट नहीं होता, डॉट का मतलब होता है सर्किट चालू है, क्लोज्ड है, और जब डॉट नहीं होता सर्किट ओपन है, सर्किट बंद है, ये तरीके हैं। अब इसके बाद इसका सर्किट देखते हैं, फिजिक्स के अंदर सबसे आसान सर्किट है वो ओम के नियम का ये रहता है। इसके अंदर क्या है, बैटरी से स्टार्ट कर देते हैं, बैटरी का जो बड़ा डंडा होता है उसको प्लस लिखते हैं, जो छोटा डंडा होता है उसको माइनस लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कहीं पे अपनों ने
अमीटर जोड़ते हैं। इससे आगे चलेंगे तो ये आपका प्रतिरोध, और उसके बाद ये आपका धारा नियंत्रक, कुंजी। अब बचा क्या? वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रतिरोध के साथ समांतर कर। यह मीटर हो गया, ये प्रतिरोध हो गया, रियोस्टेट हो गया, और ये आपकी की कुंजी हो गई। ये सीधा सा है। धारा की दिशा बतानी जरूरी रहती है, डायरेक्शन, डीसी करंट के अंदर। सिर्फ डीसी करंट के लिए धारा बताई जाती है, दिष्ट धारा सिर्फ साइन से बताई जाती है सर्किट के अंदर। प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट बताया नहीं जाता है सर्किट के अंदर। तो यहाँ से प्लस से चलेगी धारा और नेगेटिव के अंदर आ जाएगी। तो अगर धारा की दिशा दिखा रहे हैं तो की अभी क्या सर्किट ऑफ था, तो सर्किट को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा डॉट लगा के। तो ये परिपथ होता है अपना। इस तरह से अपने सर्किट को जोड़ेंगे, उसके बाद अपने क्या करेंगे, अपनी जो प्रोसेस क्या रहेगी, मेथड क्या रहेगा, तो अपने रियोस्टेट से प्रतिरोध को चेंज करके इस रजिस्टर प्रतिरोध के ऊपर अपने क्या देखेंगे, वोल्टेज और धारा का पतन देखेंगे। और उसके बाद अपना एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर क्या रहेगा, इधर SR, इधर वोल्टेज जो आपकी वोल्ट में होगी, और एम्पियर के अंदर आपका करंट रहेगा। और यहाँ पे अपने रीडिंग ले लेंगे, तीन रीडिंग अपने सर्किट से निकालेंगे। अपना सर्किट था जिसके अंदर मैंने बता दिया एमिटर आपका सीरीज और वी आपका पैरेलल आर के साथ, बाकी ये सेटअप है। इसके अंदर अपने क्या टेबल बनाएंगे, जो सारणी होती है, SR यानी कि अपना फर्स्ट रीडिंग 00 रहेगी, जिसके अंदर क्या होगा, अपने क्या करेंगे, कोई भी हरकत नहीं करेंगे, या तो सर्किट ऑफ है या सर्किट ऑन है, तो जो अपना जो रियो स्टेट है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो स्टार्टिंग की रीडिंग V0 और I0 रहती है। इस सर्किट को अभी देखते हैं, अपने देखेंगे जिसके अंदर अमीटर अपना सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, वोल्टमीटर प्रतिरोध के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, ये यहाँ पे अपना रियोस्टेट, और ये कुंजी, और ये अपना सेल बॉक्स। रीडिंग निकालने से पहले अपने लिस्ट काउंट नाम की एक चीज़ देखेंगे। तो अमीटर में देखिए इसकी जो रेंज है, जो प्रास है, मैक्सिमम 3 एम्पियर की है, और इसके अंदर जो खाने हैं वो 60 खाने हैं, 60 पार्ट्स हैं। इसी तरह वोल्टमीटर के अंदर देखेंगे उसकी रेंज 15 वोल्ट्स 15 वोल्ट है, और जो खानों की संख्या है वो सेम 60 खाने की संख्या है। तो लिस्ट काउंट अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक होता है प्रास बटा खानों की संख्या, रेंज अपॉन पार्ट्स। तो देखो वोल्टमीटर के लिए रेंज थी 15 वोल्ट्स, डिवाइड कर दिया 60 से, तो 1/4 यानी कि 0.25 वोल्ट एक खाना आपको कितनी वैल्यू देगा, एक खाना बराबर देगा 0.25 वोल्ट। इसी तरह अमीटर के करे लिए करें लिस्ट काउंट अल्पतमांक ज्ञात करें, तो टोटल रेंज थी 3 एम्पियर, खाने थे 60, 60 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.05 एम्पियर। ये धारा का अपने पास आ गया, यानी धारा एक खाना कितना देगा, 0.05 एम्पियर। तो अब अपने लेते हैं यहाँ से फर्स्ट रीडिंग। जब क्या रियोस्टेट कहाँ पे अपना एंड में है, एज पे, तो जो रीडिंग आएगी वो अपनी आएगी 0 वोल्ट यहाँ पे आएगी, और 0 ही यहाँ पे आएगी, यानी 0 खाने वोल्टमीटर में, 0 खाने अमीटर के अंदर आएंगे। तो इनको लिस्ट काउंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को वोल्टेज और करंट मिलेगा। तो 0 खाने को 0.25 लिस्ट LC से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसी तरह करंट को 0 को 0.05 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 0। यानी कि फर्स्ट रीडिंग क्या रही, 0 0, यानी वोल्टेज भी 0 और करंट भी 0। अब सेकंड रीडिंग लेते हैं, इसको आगे मूव करवा के। तो अपने स्टार्टिंग करते हैं जिसके अंदर अमीटर के अपने 2 खाने आएंगे और वोल्टेज का 1 खाना आएगा। तो इसके अंदर क्या रहेगा, जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो अपनी आ जाएगी 2.5 वोल्ट,
और इसी तरह करंट का आएगा तो करंट को 2 से मल्टीप्लाई करके 0.05 से तो आंसर आएगा 0.10 एम्पियर। ये अपनी सेकंड रीडिंग रहेगी। इसी तरह इसको आगे मूव कराएंगे तो थर्ड रीडिंग आएगी जो अपनी, वो अपनी है पांच खाने अमिटर के, और इधर अपने देखेंगे तो तीन खाने हैं अपने किसके, पांच खाने अमिटर के और तीन खाने वोल्टेज के, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो अपना आएगा 0.75 वोल्ट, और इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से तो आएगा 0.25 एम्पियर। इसी तरह नेक्स्ट रीडिंग लेंगे फोर्थ, तो इसको जब आगे मूव कराएंगे तो नेक्स्ट यहाँ से अपने आएंगे 6 खाने किसके, अमीटर के, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 खाने अमीटर के आएंगे जिसको अपने मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से तो अपना आंसर आएगा 0.30 एम्पियर। इसी तरह वोल्ट मीटर को देखेंगे तो यहाँ पे 4 खाने दिखाई दे रहे हैं अपने को, तो 4 खानों को गुणा कर देंगे 0.25 से तो अपना जो आंसर आएगा वो 1 वोल्ट आएगा। तो रीडिंग को जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखना 0.0 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 0.75 वोल्ट और 1 वोल्ट। इसी तरह इधर 0.10 एम्पियर, 0.25 एम्पियर, 0.30 एम्पियर। यानी कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि प्लॉट किया जब ग्राफ आई और वी में तो क्या हुआ, वी भी बढ़ रहा है और आई भी बढ़ रहा है। तो ये अपने इससे सत्यापन हो गया ओम के नियम का कि वी के साथ साथ आई भी बढ़ता है। इससे अपने प्रतिरोध का भी मान निकाल सकते हैं, जैसे ये अपनी फर्स्ट रीडिंग रही वी और आई की। सेकंड की बात करते हैं तो वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो वी आपके पास है, यहाँ पे वी आपके पास है, आई आपके पास है, तो यहाँ से प्रतिरोध का मान निकाला जा सकता है। इसी तरह अपने क्या कर सकते हैं, ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। इसके साथ अब अपने आगे इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे जिसके अंदर अपने फिजिक्स करेंगे प्रैक्टिकल के साथ, और यह फैसिलिटी आपको मिल रही है सूरतगढ़ के एकमात्र स्कूल जीनियस मॉडल सूरतगढ़ में।